हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद इतिमन। राजस्थान नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। जिले वाइज पदों की संख्या यहां पर 1886 है। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के पदों पर यहां पर वैकेंसी आई है। योग्यता यहां पर स्नातक मांगी गई है और आयु जो है यहां पर 21 से 64 वर्ष रहने वाली है। तो सभी जो है यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कोई भी सीईटी या फिर कोई भी एग्जाम जो है वो आपका नहीं मांगा गया है। तो किस तरीके से यहाँ पर जो है वो चयन प्रक्रिया रहने वाली है, सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे कंप्लीट नोटिफिक में मेन साइट पर जाकर। महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम मेन साइट पर जो है वो जाते हैं। जिला नागौर से जो है ये वैकेंसी आई है। पहले जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो कुल 1886 पदों पर जो है वो वैकेंसी जारी हुई है, जो कि जिले वाइज जो है यहाँ पर पदों की संख्या रहने वाली है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें चूरू जिले से विज्ञप्ति जारी हुई थी 51 पदों के लिए। तो मैंने आपको बताया धीरे धीरे करके जो है वो सभी जिलों से ये वैकेंसी जारी होगी। आज हम बात करेंगे नागौर जिले से ये वैकेंसी जारी हुई है और सभी अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 83 जो है यहाँ पर कुल पद है। जैसे जैसे यहाँ पर जिले वाइज वैकेंसी आती जाएगी मैं आप लोगों को जो है वीडियो के माध्यम से बता जाऊंगी। तो चलिए कंप्लीट नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। नागौर जिले में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 15 पेजेस की ये पीडीएफ फाइल है। यहां पर अगर हम देखें तो ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। 25 जुलाई को यह विज्ञप्ति यहाँ पर जारी हुई है, विज्ञापन जारी हुआ है और यहाँ पर जो है वो संविदा मानदेय मानसिक आधार पर जो है यहाँ सिलेक्शन होगा। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के पद हैं, कुल नागौर में 83 पद हैं। यहाँ पर आपको सैलरी कैसे मिलेगी, तो 500 रुपये हर दिन के हिसाब से आपको यहाँ सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो महीने में जो है वो 15,000 रुपये आप लोगों को यहाँ मिलते हैं। स्नातक यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है और साथ में यहाँ पर जो है वो एक टेक्निकल डिप्लोमा भी मांगा गया है, जो कि आपका कोई भी हो सकता है प्रमाण पत्र कंप्यूटर का, RSCIT अगर आपने किया है तो वह भी यहाँ पर एलिजिबल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपने कोई कंप्यूटर में दक्षता हासिल की है तो वो भी यहाँ आपका चलेगा। आयु जो है यहाँ पर 21 से 64 वर्ष अधिकतम मांगी गई है, जो मैंने आपको बता दी है। और आवेदन जो है स्टार्ट हो गए हैं आवेदन, और अंतिम डेट जो है इसकी 2 अगस्त है, ठीक है। तो आपके पास 2-3 दिन है, आप लोग जो है वो अप्लाई कर दें, डेट जो है वो आपकी निकल जाएगी अगर आपने समय पर जो है वो अप्लाई नहीं किया। विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण जो है वो जिले की जो वेबसाइट है nagaur.rajasthan.government.in, इस पर जो है वो आप कंप्लीट जो है वो देख सकते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन, कैसे एप्लीकेशन करना है, सारी चीजें यहाँ पर जो है। आवश्यक दिशा निर्देश हम पढ़ लेते हैं। सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी इसी नोटिफिकेशन के एंड में दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले संबंधित जिला नागौर की जो ये वेबसाइट है इस पर आप कंप्लीट जो है पहले विज्ञप्ति आदेश और दिशा निर्देश जो दिए हैं उनको ध्यान पूर्वक आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आप आवेदन करेंगे। परीक्षा शुल्क जो है वो आपका मात्र जो है वो 100 रुपये जो है वो आपका परीक्षा शुल्क यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर जो है कहा गया है कि शैक्षणिक योग्यताएं पुरुष और महिला वर्ग के लिए स्नातक या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और मैंने आपको बता दिया RSCIT या फिर अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से अगर आपने कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र अगर आपने किया है तो वो आपको प्रस्तुत करना होगा। उम्र जो है वो 21 से 64 है यहाँ पर। और फोर्थ नंबर पर लिखा है कि आवेदन जो है वह सिविल सोसाइटी या संगठन से होना चाहिए, आवेदन राजकीय कर्मचारी नहीं होना चाहिए, आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ और समर्थ होना चाहिए। अब देखिए चयन प्रक्रिया जो है वो कैसे रहने वाली है। तो आपकी जितने भी मार्क्स हैं उसके बेस पर जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आप लोगों का यहाँ पर जो है चयन हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो जाती है, आवेदनकर्ता की संख्या अधिक हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये लिखित परीक्षा करा सकते हैं, बट अभी तक तो कराई नहीं गई है और मुझे नहीं लगता कराई जाएगी, ठीक है। तो लिखित परीक्षा आयोजित ना करने की स्थिति में सभी पदों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत और उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, आपने बीएड किया है, जितनी भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं आपकी उच्चतम, सभी जो है वो आप लोग यहाँ संलग्न कर दें, क्योंकि मेरिट लिस्ट तैयार होगी। स्नातक मांगा गया है लेकिन उससे भी अधिक अगर आपने कर रखा है तो वो सभी आप लगा दें, ठीक है। कंप्यूटर का जो डिप्लोमा है वह भी आप लगा दें, BA MA आपने किया है, बीएड किया है, तो वह भी आप यहाँ पर लगा दें, ठीक है। क्योंकि मेरिट लिस्ट तैयार होगी तो वहां पर जितने ज्यादा जो है वो मार्क्स होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चयन हो जाएगा।
तो यहाँ पर लिखित तो परीक्षा जो है वो कही गई है कि अगर ज्यादा अभ्यर्थी हो जाते हैं तो जो है वो लिखित परीक्षा ये कराएंगे, ठीक है। यहाँ चयन प्रक्रिया कैसे होगी हमने बात कर लिया, अब जो है वो आप एप्लीकेशन जो है वो कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पेज नंबर 5 पर, इसी पीडीएफ फाइल के पेज नंबर 5 पर जो है वो आवेदन पत्र का प्रारूप है, इसे आप लोग जो है वो एकदम कंप्लीट भर लेंगे, अपने जितने डॉक्यूमेंट हैं और इनको जो है इसके साथ अटैच कर लेंगे। ऑनलाइन जो है वो आप लोगों को एप्लीकेशन करनी है, कहाँ करनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो रेड में मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण जो है वो आप लोगों को nagore.rajasthan.government.in पर देखा जा सकेगा। आवेदन पत्र जो है वो आप केवल कार्यालय ईमेल आईडी, ये जो ईमेल आईडी है इसी पर जो है वो आप लोगों को भेजना है 2 अगस्त तक, ठीक है। तो आप लोगों को इस ईमेल आईडी पर भेजना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपके स्वीकार किए जाएंगे। अगर आपने अंतिम तिथि के बाद जो है वो भेजा तो आपके आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों को कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है, आवेदन पत्र है, वह जो है जिले की जो मेन वेबसाइट है nagore.rajasthan.government.in इस पर मिलेगी। आप लोगों को जो है वो अपने डॉक्यूमेंट और आवेदन पत्र जो है इस ईमेल आईडी पर सेंड करना है, ठीक है। बाकी जिलों की जैसे ही आती है विज्ञप्ति तो मैं आप लोगों को जरूर वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। आप रेगुलर रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन प्रेस कर लें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उस समय पर आपको मिल सकें, वरना डेट जो है वो निकल जाती है तो कोई भी फायदा नहीं होता है आवेदन करने का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।